मोमिनीन का सदर हूँ। मेरा नाम मोहम्मद नज़र है। आज सुबह हम लोगों ने एक छोटा काम लेकर के यहाँ आया था और बड़ी खुशी खुशी अपने घरों से निकले थे। हम लोग पास ही में रहते हैं, बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन आने के बाद यहाँ जो मायूसी देखने को मिली और जो अफसोसनाक खबरें हम लोगों को मिली, जिससे हम लोगों को बहुत ही आहत हुआ है। आज चेन्नई में उनका निधन हो गया है, हमारे मंत्री जी का। उन्होंने तालीम के दायरे में एक बड़ा काम कर रहे थे और बड़ी उम्मीदें थी हम लोगों की उनसे कि वो तालीम को बहुत ही फ़रोग देंगे, ऊंचे पैमाने पर ले जाएंगे। लेकिन आज उनका निधन ने एक हम लोगों को बहुत ही निराश किया है और हम लोग चाहते हैं कि भाई अब उनकी जगह पे कैसे लोगों को लाया जाए जो पूर्ति कर सके। उनकी पूर्ति करना नामुमकिन है हम लोगों को लगता है। ये बहुत ही इनकलाबी और जोशीला और करवट नेता थे झारखंड के लिए, और झारखंड गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज हम लोगों को दिली मरे तकलीफ हो रही है कि भाई आज हमारे बीच हमारे नेताजी, हमारे शिक्षा मंत्री जी हमारे बीच नहीं हैं। ये खबरें सुनकर के मैं उनके पूरे परिवार को उनकी कामना करता हूँ कि वो अमन चैन उनको दिलों में दे, सब्र दे, शांति दे, और उनके लिए मैं खराज अकीदत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके अंदर मैंने एक चीज़ देखा कि सभी से वो मिलते थे और अच्छे अंदाज में मिला करते थे हर तबके से। मैंने जब पहली बार उनसे मुलाकात किया तो उन्होंने कहा, बोलो क्या काम है तुम्हारा, तो मैंने मुस्कुरा कहा, मंत्री साहब मैं उम्मीद से आया हूँ कि हम लोग एक ट्रस्ट चलाते हैं, रहमानी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट चलाते हैं, और इसके माध्यम से हम लोग 300 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, उसमें आपका हमको सपोर्ट चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सपोर्ट मैं करूँगा। 5-6 मरतब मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो आज सुबह हाजी मजहर साहब बोले हैं कि रहमानी साहब आपका पकड़ अच्छा है, थोड़ा चलिए मंत्री जी से हमको मिलना है, मिलवा दीजिएगा। मैंने कहा चलो चलिए। मैंने यहाँ इनको लेकर आया तो फर्स्ट में यहाँ आया हूँ 10 बजे, तो उसके बाद मीडिया के थ्रू हमको मालूम चला उनका निधन हो गया। बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि अफसोस की बात इसलिए है, अच्छे आदमी थे वो, सभी के साथ गले में गले मिलाकर चलने वाले थे वो व्यक्ति, कोई नीच ऊंच उनके अंदर नहीं था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।